Hello and once again welcome back to my channel Simple Dishes with Lipika. आज की रेसिपी में है बेक्ड रसगुल्ला। लास्ट वीडियो में मैंने रसगुल्ला का रेसिपी अपलोड किया था, उसी रसगुल्ले का मैंने बेक्ड रसगुल्ला बनाया है। तो किस तरीके से बनाया है चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट है, इसे बेक्ड होने के बाद भी सॉफ्ट एंड स्पंजी सा रसगुल्ला। बेक्ड रसगुल्ला बनाने के लिए रसगुल्ला तो हमें चाहिए ही, उसके साथ हमें चाहिए मलाई। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे 500 ml दूध रख लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा सैफरन और हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर डाल के इसे मैं उबालने के लिए रख दूंगी। एक हल्का सा सुंदर सा सैफरन का कलर भी आ जाएगा इसमें। सैफरन अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ये देखिए इसको हमें थिक करना है, गाढ़ा सा एक मलाई सा बनाना है। तो मैं आज यहाँ पे हाफ कप खोया यूज़ करूँगी। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप इसके बदले में यहाँ पे मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं, तो फिर दूध जल्दी जल्दी गाढ़ा हो जाता है। अगर आप खोया या मिल्क पाउडर का यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चीनी भी डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून चीनी डालूंगी। आप भी आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं कितना आपको चाहिए। चीनी डालकर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे मिल्क मेड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसे हमें बहुत ज़्यादा एकदम गाढ़ा सा नहीं बनाना है, थोड़ा थोड़ा ये हल्का पतला सा रहेगा, मतलब 500 ml को 300 ml तक आपको बनाना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और जो हमारे पास रसगुल्ला था उसे हमें अच्छी तरह से इसमें से रस को निचोड़ लेना है। और फिर हमें कोई भी बेकिंग टिन ले लेना है या कोई हीट प्रूफ ओवन प्रूफ जो बर्तन है उसे ले लें और उस पर हमें रसगुल्ले को सेट करना है। मैंने 1 लीटर दूध से मेरा यहाँ पे 9 रसगुल्ला बना था, उसी को मैं ऐसे निचोड़ लूँगी और फिर ऐसे सेट करूँगी। और इसके ऊपर से जो मलाई हमने बनाया है उसे हमें इस तरीके से डाल देना है। ये एकदम ठंडा नहीं है, थोड़ा गर्म है, इसे हम इसके ऊपर से पूरा डाल देंगे। रसगुल्ला ठंडा होना चाहिए, इसे आप पहले से बना कर रख सकते हैं या आप खरीद के भी यूज़ कर सकते हैं। और जिस टिन पे आप डाल रहे हैं वो आधा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूध ये जो मलाई जब गर्म होगा ये स्पिल हो सकता है। और यहाँ पे हमने जितना मलाई बनाया है ना, इसे आप 12 से 13 रसगुल्ले का आराम से मतलब बेक्ड रसगुल्ला बना सकते हैं। अब हम ऊपर पिस्ता और बादाम थोड़ा सा डाल देंगे, ये भी ऑप्शनल है। और फिर इसे हमें बेक करना है तो हम एक प्री हीटेड ओवन पर इसे 180 डिग्री पर 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे। माइक्रोवेव अगर यूज़ कर रहे हैं तो हायर रैक का यूज़ कीजिए। हो गया बेक, हमारा बेक्ड रसगुल्ला रेडी है। बेक्ड रसगुल्ला गरम खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अलग सा डेजर्ट ट्राई करने के लिए आप इसे बनाएं और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।